पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। मैं तो सो जाऊंगी, बट आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप मुझे अभी स्टोरी सुनाओगे। राजा रानी और बच्चों वाली नहीं, बल्कि एक फिल्मी स्टोरी। फिल्मी स्टोरी? टीवी तो आप मुझे देखने ही नहीं देती, इससे अच्छा तो टीवी की कहानी भी सुना दो। सब मुझे बच्ची समझते, मैं बच्ची नहीं हूँ, बल्कि मैं स्मार्ट बच्ची हूँ। ये तो मुझे पता ही नहीं था कि आप बच्ची नहीं हो, आप स्मार्ट बच्ची हो। ये सब छोड़ो, आप मुझे स्टोरी सुनाओगी या नहीं? सुनाऊंगी, पक्का सुनाऊंगी। चलो आप सोने की कोशिश करो, मैं आपको कहानी सुनाती। तो ये कहानी है एक लड़का लड़की की। एक बहुत ही अकड़ू लड़का था, घमंडी, और जो लड़की थी वो बहुत प्यारी थी। लेकिन पता है क्या, वो लड़की बार बार गिरती रहती थी और लड़का उसे बार बार गिरने से बचाता था, और वो दोनों आपस में बहुत लड़ते थे। हर वक्त उनकी लड़ाई होते रहती थी। तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? तुम्हें तुम्हारी गाड़ी तक छोड़ देती हूँ, उसके बाद मेरा छाता मुझे दे देना, क्योंकि मुझे बस से जाना है, मुझे इसकी ज्यादा जरूरत है। मेरी गाड़ी तो तुम्हारी थर्ड क्लास सोसाइटी में आते ही खराब हो गई थी। एक बार उस लड़की ने गुस्से में लड़के को एक नाम दे दिया। आओ, देख के नहीं जा सकती। ओ हेलो, ये सब ना तुम्हारे करेले की वजह से हुआ है। नीचे गिर गया, मैं झुकी उठाने के लिए, तुम झुके, सर टकराए, मुझे भी दर्द हो रहा है। पता क्या नाम दिया? बहुत पनी है, कड़वा करेला। और उस लड़के ने लड़की का नाम रखा कड़वी करेली। करेला तो यार मुझे, I mean, मुझे करेला पसंद नहीं, लेकिन मैं कैच कैच खेल रहा था। करेला दो मुझे। नहीं देती, बोल। ओके। ऐसे इस वक्त तुम्हें देख के पता क्या लग रहा है, जैसे करेली ने करेला पकड़ा। अरे आपको कैसे ये कहानी पता है? आपको किसी ने ये कहानी सुनाई है क्या पहले? नहीं मम्मा, आप मेरे से कम स्मार्ट हो। आपको पता है ना, अगर लड़का करेला हुई तो लड़की करेली हुई ना, कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस है मम्मा। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छी लगी ना काव्या बेटा? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।